भारत पर आतंकवादी नक्सली और सीमा पार के दुश्मन अक्सर हमला करते रहते हैं। इन हमलावरों को भारतीय फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज अक्सर करारा जवाब भी देती रहती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इनको सबक सिखाने के लिए किन राइफल्स का इस्तेमाल किया जाता है? अगर नहीं तो इस बारे में जानने के लिए हमारा ये वीडियो जरूर देखिए। अगर हम दुनिया में टॉप 10 राइफल्स की बात करें तो APS अंडरवाटर राइफल 10वें नंबर पर आती है। APS अंडरवाटर राइफल पानी के अंदर हमला करने वाले हमलावरों से निपटने के लिए रशियन आर्मी ने APS अंडरवाटर राइफल का इजाद किया था। ये बेहद गजब की राइफल होती है। पानी के अंदर इसका निशाना अचूक होता है। खास बात यह है कि ये भारी स्विमिंग सूट और हेलमेट को भी भेज देती है। भारत में इस राइफल का इस्तेमाल इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स यूनिट करती है। इस यूनिट को मार्कोस नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में 9वें नंबर पर आने वाली राइफल्स का नाम है OSB-96 राइफल। इसका निशाना अचूक और बेहद घातक होता है। सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के लिए ये राइफल किसी कहर से कम नहीं है। खास बात यह है कि इसमें 2500 मीटर यानी 2.5 किलोमीटर दूर तक छुपे दुश्मन को मार गिराने की क्षमता होती है। इस राइफल को भी रशिया ने ही बनाया था। भारत में इसका इस्तेमाल इंडियन नेवी की स्पेशल टास्क फोर्स यानी मार्कोस ही करती है। अगर हम बात करें दुनिया में सबसे खतरनाक राइफल्स तो 8वें पायदान पर ड्रैगनोव स्निपर राइफल आती है। इसका इजाद सोवियत यूनियन के दौर में हुआ था। इसकी मारक क्षमता 1300 मीटर यानी 1.3 किलोमीटर तक होती है। कोल्ड वॉर के दौरान रशिया में इस राइफल्स का जमकर इस्तेमाल हुआ था। इराक में गोरिल्ला वारफेयर के लिए इस राइफल का प्रचलन आज भी नंबर 1 पर है। सीमा पर तैनात भारतीय फौजी भी इस राइफल का जमकर इस्तेमाल करते हैं। पहाड़ी इलाकों जैसे करगिल, द्रास, तोलोलिंग और सियाचिन जैसे बॉर्डर एरियाज में इस राइफल के साथ भारतीय फौजी हर वक्त सीमा पर तैनात और मुस्तैद मिलते हैं। दुनिया में 7वें पायदान पर आने वाली राइफल का नाम है हेकलर एंड कॉश राइफल। यह भी एक स्नाइपर राइफल है। जर्मनी में डिजाइन इस सेमी ऑटो राइफल की मैगजीन काफी बड़ी होती है और निशाना एकदम अचूक होता है। खास बात यह है कि इससे काफी तेजी के साथ बार बार गोलियां दागी जा सकती हैं। 800 मीटर की दूरी तक इससे अचूक निशाना लगाया जा सकता है। इस राइफल का इस्तेमाल करने का राइट केवल और केवल इंडियन आर्मी की स्पेशल टास्क फोर्स NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के पास ही मौजूद है। दुनिया की टॉप 6 राइफल्स में AK-103 राइफल का नाम भी शामिल है। ये कमाल की राइफल है। इसको हल्का लेकिन मजबूत बनाने के लिए लकड़ी की जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। खास बात यह है कि इसमें नाइट विजन, टेलीस्कोप, संगीन और ग्रेनेड लॉन्चर फिट करने के ऑप्शंस भी मौजूद होते हैं। इसकी मैगजीन में एक साथ 30 गोलियां अपलोड की जा सकती हैं। अचानक होने वाले हमले का जवाब देने के लिए ये राइफल बेहद कारगर साबित होती है। वहीं नली के आगे लगी संगीन भी सेल्फ डिफेंस के काम आती है। टॉप 5 राइफल्स में IMI टावो TAR-21 राइफल का नाम भी शुमार है। इस राइफल का इस्तेमाल शहरी इलाकों में होने वाली आतंकवादी घुसपैठों के खिलाफ किया जाता है। इसका डिजाइन और फीचर्स शहरी इलाकों में होने वाली स्ट्राइक के दौरान बेहद कारगर साबित होते हैं। इसका ट्रिगर कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि बेहद ठंडे इलाके में दस्ताने पहनकर भी इसे दबाया जा सकता है। कमाल की बात तो यह है कि लेफ्ट हैंडेड शूटर्स के लिए भी इस राइफल को चलाना बेहद मुमकिन और आसान होता है। दुनिया के नंबर 4 पायदान पर आने वाली राइफल का नाम है इंसास राइफल।
भारत में इस्तेमाल की जाने वाली टॉप 10 राइफल्स की लिस्ट में इंसास अकेली इंडियन मेड राइफल है। ये राइफल मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस को मुहैया कराई जाती है। करगिल युद्ध में इस राइफल का जमकर इस्तेमाल किया गया था। इस राइफल की मारक क्षमता 400 मीटर है और मैगजीन में एक साथ 30 गोलियां आती हैं। इसमें दो मोड होते हैं, इससे एक बार में 3 गोलियां चलाई जा सकती हैं। वही ऑटोमेटिक मोड के जरिए पूरी मैगजीन एक ही बार में खाली की जा सकती है। नंबर 3 पर आती है M4 एबन कार्बन राइफल। ये बेसिक M4 कार्बन राइफल्स का फुली ऑटोमेटिक वर्जन है। इस कार्बाइन का इस्तेमाल स्पेशल ऑपरेशंस के दौरान किया जाता है। अमेरिका में डिजाइन होने वाली ये कार्बाइन खुद अमेरिका में बेहद फेमस राइफल है। इसका अनोखा डिजाइनिंग लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड सोल्जर्स के लिए बराबर उपयोगी होता है। अपनी सुविधा के हिसाब से सोल्जर्स इसमें नाइट विजन डिवाइस, लेजर पॉइंटर, टेलीस्कोप, बाइपॉड और ग्रेनाइट लॉन्चर भी माउंट कर सकते हैं। दुनिया में दूसरे पायदान पर आने वाली सबसे खतरनाक राइफल का नाम है AK-47 राइफल। रशियन मेड AK-47 लाइट वेट असॉल्ट राइफल है। इस हथियार ने इनकाउंटर को बेहद ही विध्वंसकारी बना दिया है। विध्वंस की कहानी ज्यादा खतरनाक इसलिए है कि ये राइफल दहशतगर्दों के हाथों में भी पहुंच चुकी है। इसकी मैगजीन में एक साथ 30 गोलियां लोड की जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें 40 और 75 गोलियों के राउंड या ड्रम मैगजीन को भी आसानी से फिट किया जा सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक साथ इतनी गोलियों की मैगजीन लगाने का ऑप्शन केवल AK-47 राइफल में ही मौजूद है। इसलिए ये राइफल भारत ही नहीं दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे खतरनाक राइफल की पहचान बना चुकी है। और अब बात करते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक यानी टॉप 10 में नंबर 1 की पोजीशन हासिल करने वाली सैफ L2A1 स्टर्लिंग सब मशीन गन की। इसका आविष्कार ब्रिटेन में हुआ था। ये बेहद घातक और अचूक मशीन गन है। इसको बनाने में केवल स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। खास बात यह है कि बाकी राइफल्स के मुकाबले ये एक साथ 5 गोलियां दाग सकती है। इसका बोल्ट बेहद भरोसेमंद होता है। इसी के साथ बाकी राइफल्स के मुकाबले इसमें 2 स्प्रिंग्स होते हैं जो कि इसकी एक्यूरेसी को काफी बढ़ा देते हैं, यानी इसकी मारक क्षमता को काफी प्रभावशाली बना देते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस पर ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्मी या फिर भारी भरकम बरसात जैसी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा ना तो यह अटकती है और ना ही फायर मिस होता है। और बात करें निशाने की तो इससे बेहतर निशाना किसी और राइफल का हो ही नहीं सकता। इसीलिए यह है भारत में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे खतरनाक यानी नंबर 1 राइफल सैफ L2A1 स्टर्लिंग सब मशीन गन। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि आपके अपने YouTube चैनल You Must Know को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ट्विटर पर, फेसबुक पर, जहां भी आपका मन करे वहां शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।